हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था, जिसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करा दिया था। तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और रिकैप करता हूँ और आपको इसका एक जनरल एप्लीकेशन बताता हूँ। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को सीधे से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक बाल्टी में पानी है और आपने उसमें जो है नमक मिला दिया है। अब उस बाल्टी में जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। मान के चलिए कि 105 डिग्री सेल्सियस अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और जो 5 डिग्री का जो एलिवेशन हुआ है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब मैं उस सॉल्यूशन को मैक्सिमम 105 डिग्री टेम्परेचर तक हीट कर सकता हूँ। नॉर्मल वाटर को हम लोग मैक्सिमम कितना हीट कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि मान के चलिए आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाएंगे तो डेफिनेटली जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। एज वी गो एट हायर एल्टीट्यूड द वेपर प्रेशर, या सॉरी द एयर प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर गेट डिक्रीजेस। जैसे अभी हम लोग सी सरफेस पर रहते हैं, सी लेवल पर रहते हैं, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है वो 180 m है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, मतलब हम लोग किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली एयर प्रेशर की वैल्यू कम होगी। और जब एयर प्रेशर की वैल्यू ऊपर से लगने वाले प्रेशर की वैल्यू कम होगी, तो डेफिनेटली उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं बॉइलिंग पॉइंट को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल ले रहा था लास्ट वीडियो में, वो ये लिया था कि ऊपर से जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो 100 वेपर्स के बराबर है, और नीचे जो आपके पास वाटर है वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर 25 वेपर्स बनाता है। तो आपको कितनी वेपर्स हीट करनी पड़ेंगी, कितनी वेपर्स और बनानी पड़ेंगी, 75 वेपर्स और बनानी पड़ेंगी। मान लीजिए आप लोग इसी सेटअप को हटा के किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हो, तो और उसके हिल स्टेशन पर जो एयर प्रेशर है मान लीजिए वो केवल 80 वेपर्स के बराबर प्रेशर लगाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहले आपको 25 से 100 तक हीट करना था सी लेवल पर, लेकिन जैसे ही आप लोग हिल स्टेशन पर गए तो वहाँ पर आपको 25 से केवल 80 वेपर्स तक उसको और हीट करना है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप 25 से 80 वेपर्स तक ले जाओगे तो आपको कम हीट करना पड़ेगा, इसका मतलब आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो आप सीधी सी बात याद रखिए कि जब ऊपर लगने वाला वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। ठीक, अब समझिए कि आप किसी हिल स्टेशन पर गए थे और आप वहाँ पर आलू उबालना चाहते हैं, आपके पास एक भगोनी है छोटी सी, आपने पानी उबालने रख दिया। अब वहां पर आप लोग मैक्सिमम वाटर को कितना हीट कर पाओगे, 80 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जो आलू बॉयल हो रहे हैं वो हो रहे हैं मान लीजिए 99 डिग्री सेल्सियस पर, तो वहां पे तो आलू बॉयल नहीं हो पाएगा, आलू उबल नहीं पाएगा। तब क्या करेंगे हमको अगर वहां पर कोई खाना बनाना है, कोई फूड आइटम को बॉयल करना है, तो हमें उस कंटेनर को या तो कवर्ड करना पड़ेगा, या उस वाटर में आपको कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा ताकि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाए। तो जनरल एप्लीकेशन क्या हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, इफ यू ऐड एनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू ए प्योर सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट गेट इंक्रीजेस, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग घरों में जब दाल हमको जल्दी उबालनी होती है, जल्दी पकानी होती है, तो हम लोग पानी में जो है खाने वाला सोडा डाल देते हैं।
हम लोग उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। उसका पर्पस क्या है ऐड करने का, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री से कितना हो जाएगा, मान के चलिए 105 डिग्री हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हमें किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर राइज करना है तो हम उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल मीन्स कोई सॉलिड सॉल्यूट उसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये थी जनरल एप्लीकेशन सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब हम लोग आते हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था, सेम वे में हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास वाटर है और अभी रूम टेम्परेचर पर वाटर है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, उस वाटर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और जब आप उस वाटर सैंपल का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि आप उस वाटर सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर सैंपल देन इट्स वेपर प्रेशर गेट डिक्रीजेस। मान लीजिए अभी 25 टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अब आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू किया तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड में, अपनी सॉलिड फॉर्म में। जैसे वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आइस में, और उस टेम्परेचर पर लिक्विड, जो थोड़ा बहुत लिक्विड होगा वहाँ पे और आइस भी होगी। ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ पूरा का पूरा पानी बर्फ बन गया, उसमें कुछ वाटर भी रहता है और कुछ आइस भी रहती है। तो एट दैट लोअर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड बिकम इक्वल। तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ चुकी है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स ओन सॉलिड फॉर्म। जैसे एक मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ छोटा सा, कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो लिक्विड फॉर्म है और वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल है एट 0 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 0 डिग्री सेल्सियस को ही ऑलमोस्ट किसके बराबर लिख लेते हैं, 273 केल्विन। केल्विन इज द स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन इज द, और केल्विन के साथ में डिग्री नहीं लगाते हैं, डिग्री लगता है सेल्सियस के साथ में और फारेनहाइट के साथ में। केल्विन को हम लोग एस सच लिखते हैं, के करके। ठीक है, तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्लियर की। अब आते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर है और आपने उसमें जो है नमक ऐड कर दिया, आपने उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, तो जैसे ही आप लोग उस प्योर वाटर सैंपल में नमक डालोगे तो वो प्योर सॉल्वेंट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन में। तो डेफिनेटली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपनी प्योर फॉर्म से क्या हो गया, कम हो गया। अब आप लोग उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। पहले जब प्योर सॉल्वेंट था, प्योर वाटर था, तो वो 0 डिग्री पर जाकर अपनी सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर प्रेशर शो कर रहा था 0 डिग्री पर। लेकिन जैसे ही आपने उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया तो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, कम। अब वो बन गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर कम करोगे तो वो 0 डिग्री से लोअर टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज होना स्टार्ट होगा।
तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? डिप्रेशन। एक पॉइंट और बताता हूँ आपको कि अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है वो -2 डिग्री सेल्सियस पर है, तो कौन सा ज़्यादा कूलर होगा, कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा? तो डेफिनेटली -2 डिग्री वाला टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का मतलब है कि वहाँ पे कूलिंग बढ़ गई है, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा जो कूल होगा ऑब्जेक्ट उसमें कूलिंग या कूलनेस ज़्यादा होगी। अब मैं यही सेम चीज़ को आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ, तब आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, इफ़ वी एड ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ, और ग्राफ से फिर हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन भी करेंगे। ग्राफ कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ हम लोग लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर, और यहाँ लेते हैं वेपर प्रेशर, यहाँ पर वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर। मान लीजिए आपके पास अभी कोई प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है कोई, रूम टेम्परेचर रहा होगा कोई। अब आप इस प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ इस टेम्परेचर पर जाके, इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, आपने इसका टेम्परेचर कम किया कम किया, टेम्परेचर कम करते गए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और यहाँ इस टेम्परेचर पर जाकर, इस टेम्परेचर पर जाकर ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और इसकी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्वेंट का, उसको मैंने डिनोट कर दिया पी नॉट से, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो इसका ये हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये था सॉल्वेंट। इसी तरह का ग्राफ हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी बनाया था और उसको ड्राइव किया था हमने। ये सॉल्वेंट है, मान लीजिए आपने सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट सॉल्यूट का मिला दिया, तो जैसे ही आप लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओगे तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहा होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मैंने इसको जो है फ्रीज करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया, कम किया, तो मान लीजिए यहाँ इस टेम्परेचर पर जाकर इस सॉल्यूशन की लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर अपनी सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो दिस टेम्परेचर इज TF1, ऐसे मान लीजिए। देखो ये टेम्परेचर है TF, ये टेम्परेचर है TF1, TF ज्यादा है, TF1 कम है, क्योंकि टेम्परेचर में हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। चलिए, तो ये था मेरे पास मान लीजिए सॉल्यूशन वन, ये सॉल्यूशन वन है, यहां लिख देता हूं इसको, दिस इज सॉल्यूशन वन। अब मैंने क्या किया कि एक और सॉल्यूशन ले लिया कि सॉल्वेंट में मान लीजिए 1 ग्राम मिलाने पर तो मुझे सॉल्यूशन वन मिल रहा है, मैंने 2 ग्राम मिला दिया तो ये इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया, और कम हो गया, और एक और डिप्रेशन पर जाकर मुझको इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट मिला है। मान लीजिए दिस इज TF2, देखिए यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर होगा P1 और यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर होगा P2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये टेम्प, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज, इसको मान लीजिए A, ये है B और ये है C, ये है D और ये वाला है E। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, इस तरह से देख लीजिए, यहां पर 2 ट्राइंगल को आप लोग देखिए, ए बी डी, ए बी और ये डी, ए बी डी। अच्छा, यहां पर ये जो कर्व है बी डी उसको हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेट मानेंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट मानेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी और इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई, तो 2 ट्राइंगल है मेरे पास, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई।
दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, दोनों मतलब दोनों ट्राइंगल्स के जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, एंगल जो है सॉरी ट्राइंगल्स के एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, दे आर सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, देखो ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू बी डी ओवर सी ई, ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू बी डी ओवर सी ई। अच्छा ए बी किसके बराबर है, ए बी यहां पर है पी नॉट, यहां पर है पी वन, तो ये मैं लिख दूंगा पी नॉट माइनस पी वन ओवर ए सी, क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टू बराबर बी डी, बी डी हो जाएगा टी एफ माइनस टी एफ माइनस टी एफ वन, और ये हो जाएगा टी एफ माइनस टी एफ टू। तो ओवरऑल देखो P नॉट माइनस P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P1, इसको लिख सकता हूँ डेल्टा P2, और इसको लिख सकता हूँ डेल्टा TF1, और इसको लिख सकता हूँ डेल्टा TF2। तो यहाँ इस ग्राफ से एक चीज़ प्रूफ हो गई, ग्राफ से एक चीज़ प्रूफ हो गई कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए अब सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो ये सॉल्यूशन बन गया, जितना सॉल्यूट ऐड करूंगा मैं इसमें उतना ही इसका वेपर प्रेशर कम होगा, जितना इसका वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, ये मैंने प्रूफ कर दिया है विद दिस डेरिवेशन। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अभी देखती है, मैं इसको आगे और थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, मैं डेफिनेशन हटा देता हूं यहां से, देखिए तो हमने यहां प्रूफ किया है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डेल्टा पी है वो, चलो ऐसा डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और हम लोग जानते हैं डेल्टा पी बराबर होता है, डेल्टा पी बराबर है पी नॉट एन बी ओवर एन ए, ये हमने प्रूफ किया है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये हमने प्रूफ किया है। तो देखिए ये वही फॉर्मूला है डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए, अब पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए बराबर एन बी ओवर एन ए, ये हमने वहां प्रूफ किया है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, या हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वहां पर भी हमने इसको सॉल्व किया है। देखिए और हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक, तो यहां पर डेल्टा पी बराबर मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए, पी नॉट ए मतलब क्या है सॉल्वेंट के लिए, एन बी को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बी ओवर एम बी, और इसको लिखूंगा डब्ल्यू ए और ऊपर आ जाएगा एम ए। अब यहां पर एक चीज देखें आप कि पी नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा कांस्टेंट, एम ए क्या होगा कांस्टेंट, फॉर सॉल्वेंट इनकी वैल्यू क्या होंगी कांस्टेंट वैल्यू होंगी। तो और हम लोग एक चीज और जान गए हैं यहां पर कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीबी के, तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए, एम ए को मैं आगे लिख देता हूं और ये आ गया डब्ल्यू बी ओवर एम बी और ये डब्ल्यू ए, ये दोनों क्या है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट मैं हटा देता हूं तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और ये आ गया डब्ल्यू बी ओवर एम बी और ये क्या है डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इफ इट इज वन के जी, इफ इट इज वन के जी, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा मोलैलिटी। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू सॉरी के बी नहीं के एफ, ये यहां पर आएगा के एफ क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये आएगा के एफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो यहां प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट बनता है वो के एफ है, और के एफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, मैं अभी इसके नोटेशन लिख देता हूं यहां पर,
देखिए इसको हटा देता हूँ। देखिए ये डेल्टा टी एफ आएगा यहाँ पर, टी एफ, डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा टी एफ। तो देखिए डेल्टा टी एफ बराबर आ गया के एफ इंटू एम। तो मैं यहाँ से यूनिट ऑफ के एफ निकाल सकता हूँ। यूनिट ऑफ के एफ निकालने के लिए क्या चाहिए? डेल्टा टी एफ ओवर मोलैलिटी। मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ की यूनिट केल्विन और इसकी यूनिट आती है मोल पर केजी। तो इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ के एफ। और के एफ की एक एक्सप्रेशन वैल्यू भी है आर टी एफ स्क्वायर ओवर 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बराबर आर। आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल गैस के कंपैरिजन में रखते हैं। टी एफ स्क्वायर ओवर 1000 इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, ये फॉर्मूला है के एफ का। ठीक है, तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जनरल एप्लीकेशन समझिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जनरल एप्लीकेशन क्या है उसको समझिए। हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एक जनरल एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि हम लोग इसको डेली लाइफ में या अपनी लाइफ में कब कब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जनरल एप्लीकेशन, तो इसकी देखिए दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। एक है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन या एंटी फ्रीज एजेंट, सॉल्यूशन लिख सकते हैं या एजेंट, एंटी फ्रीज एजेंट लिख सकते हैं। अब देखिए एंटी फ्रीज एजेंट क्या है, समझिए कि जो फ्रीज ना होने दे, जो फ्रीज ना होने दे। जैसे वाटर का अगर हम लोग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं तो वाटर जस्ट स्टार्ट टू गेट फ्रीज आउट, वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला दें जिससे वाटर, जिससे जो वाटर है वो फ्रीज ना हो 0 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे मान लीजिए वाटर में मैंने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा। ठीक, तो फ्रीज होने से रोकने वाला इसकी एप्लीकेशन बनती है। जैसे देखिए यूरोपियन कंट्रीज में विंटर सीजन में टेम्परेचर 0 से काफ़ी नीचे चला जाता है और वहाँ पर जो डीजल इंजन है या जो फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ हैं उसमें वो फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं, और ये डीजल पेट्रोल या वो अपने यहाँ रेडिएटर में वाटर यूज़ करते हैं, ऐसे समझिए। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही हुआ तो जो रेडिएटर में वाटर है वो क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, या जो उनका फ्यूल है फ्यूल टैंक में वो फ्रीज हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं कि वो इथाइलीन ग्लाइकोल की मिक्सिंग कर देते हैं। वहां पर इथाइलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज एजेंट की तरह काम करता है। मान लीजिए जो रेडिएटर का वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है और वहां सराउंडिंग यूरोपियन कंट्रीज में विंटर सीजन का टेम्परेचर हो गया मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस, तो रेडिएटर का पूरा पानी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। उसको रोकने के लिए वहां वाटर में क्या मिला देते हैं? इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल वो मिला देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इथाइलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है ईथेन 1,2-डाइओल, दिस इज इथाइलीन ग्लाइकोल, ये मिला देते हैं जिससे जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था अब वो फ्रीज होगा जाकर मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो -5 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज नहीं होगा। हमने क्या किया कि वाटर को फ्रीज होने से रोक लिया, फ्यूल को फ्रीज होने से रोक लिया। अब यही कॉन्सेप्ट सेम यूज होता है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जो एरोप्लेन है वो काफ़ी हाइट पर उड़ते हैं। एरोप्लेन्स हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं, ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो आयनो। हमारे यहाँ जितनी भी एटमॉस्फेरिक जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। बादल का गरजना ये सब चीज़ें यहाँ होती हैं, बारिश होना ये सब यहाँ है। तो हमारे जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो 16 किलोमीटर से ऊपर स्टार्ट होती है। अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है और उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं मतलब काफ़ी हाइट पर उड़ते हैं और हम लोग जानते हैं अगर हम लोग
अर्थ सरफेस से हाइट पर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। अब आप लोग आइडिया लगाइए, जब एरोप्लेन यहाँ पर 16 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा होगा तो वहाँ का सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत कम होगा। वहाँ सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा और जो वहाँ पर वाटर वेपर्स होंगी उनको जो एरोप्लेन की सरफेस है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी। वो वाटर वेपर एरोप्लेन की विंग्स पर, बॉडी पर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब एरोप्लेन के ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी, तो एरोप्लेन डिसबैलेंस हो सकता है। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो एरोप्लेन में पेंट किया जाता है उसमें इथाइलीन ग्लाइकोल की मिक्सिंग कर दी जाती है, जिससे कि वाटर का जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस वो ना रह के बहुत कम हो जाएगा, -20, -25 डिग्री सेल्सियस तक जाकर हो जाएगा, और जो एरोप्लेन है उसके ऊपर आइस का डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल थे जिससे मैंने आपको एंटी फ्रीज सॉल्यूशन या एंटी फ्रीज एजेंट के बारे में बताया है। मैंने जो कुछ बोला है आप लोग नोट्स में इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा, इसका एक और एप्लीकेशन बनती है डी आइसिंग एजेंट। ये क्या है डी आइस, मतलब जमी हुई बर्फ को हटाना, आइस को डी आइस करना, मतलब बर्फ को पिघला देना। अब ऐसे समझिए कि सड़कों पर जैसे शिमला वगैरह जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तो सड़कों पर रोड पर स्नोफॉल होता है और बहुत बड़ी बड़ी रोड जो है बर्फ़ की मोटी चादर वहाँ पे जमा हो जाती है, तो उस बर्फ़ को हटाएं कैसे, उसके ऊपर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का स्प्रे कर देते हैं, नमक का स्प्रे कर देते हैं या कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे वहाँ पर कर देते हैं। अब स्प्रे करने से क्या हुआ कि जो आइस है उसके ऊपर नमक आकर बैठ गया, जो नमक वहाँ पर डिसोसिएट होगा, नमक एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो जो आइस का जो वाटर था उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आइस किस टेम्परेचर पर फ्रीज है, वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन जैसे ही नमक उसमें घुला तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट पहुँच गया -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और हम लोग वहाँ जो बर्फ़ है वो किस में बदल जाएगी, फिर पानी में, उस पानी को वाइपर से साफ कर दीजिए, रोड क्लियर हो गए। तो ये है डी आइसिंग एजेंट, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, और भी हो सकते हैं जो सस्ते हों जिनको स्प्रे करने में कोई ज़्यादा इकोनॉमी वेस्ट ना हो हमारी, तो नमक है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, और फॉर्मूला आपके पास आ ही गया था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक, ये डेल्टा टी एफ क्या है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से कितना फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया है, इस पर एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग कर लेते हैं। टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज के एफ फॉर वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। तो हमको सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसे समझिए कि आपके पास पहले 250 ग्राम ऑफ वाटर था, फिर इसमें 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मिला दिया गया, तो अब ये बन गया ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये वाटर है, वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली कम हो गया होगा, तो हमको ये टी एफ डैश निकालना है। ठीक, और आपको क्या दिया गया है, के एफ की वैल्यू दी गई है, और इसमें 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इसमें मिला दिया गया है, मतलब आपको डब्ल्यू बी दिया गया है 54, एम बी हो गया 180 ग्राम पर मोल, और के एफ की वैल्यू आपको दी गई है 1.86। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी एफ क्या था, मैं एक बार आपको देखिए छोटा सा ग्राफ से बता देता हूँ। ग्राफ देखो, हमने ऐसे बनाया था कि ये सॉल्वेंट और ये था सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट था, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ था, डिप्रेशन। वाटर के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये मुझे पता करना है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ, उस डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, उससे आ जाएगी ये वाली वैल्यू। तो मैं टी एफ में डेल्टा टी एफ माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं,
और सबसे पहले डेल्टा टीएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। चलिए, के एफ की वैल्यू है 1.86, इसकी फॉर्मूला पुट कर दें, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, तो 1.86 इंटू 54 ओवर 180 गुणा 250, 250 और ऊपर आ जाएगा 1000, 250 से ये चार बार गया और हमारे पास आ गया अब डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 इंटू 54 इंटू 4 ओवर 180। तो हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर लें, 4 से गया 1.86 इंटू 54 ओवर 45। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए इसकी वैल्यू आई है x, इसकी वैल्यू क्या आई है x, तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है, डेल्टा टी एफ बराबर है टी एफ माइनस टी एफ वन। ठीक, इसकी वैल्यू x है, टी एफ की वैल्यू 100 डिग्री है, तो हमको टी एफ वन की वैल्यू पता करनी है। तो टी एफ वन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में से x को घटा दीजिए, आपके पास फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न है इन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ और बाकी के न्यूमेरिकल आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से कर सकते हैं। तो ये थी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग यहाँ पाई से डिनोट करते हैं, पाई से। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले हमको डिफ्यूज़न समझना होगा और डिफ्यूज़न के बाद ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है उसको समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में ये पढ़ा था, डिफ्यूज़न क्या है, हिंदी में बोलते हैं विसरण। तो डिफ्यूज़न क्या है समझिए, कि ऐसे समझो कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और बाहर से कोई एक स्टूडेंट आता है और उसने डीओ परफ्यूम लगाया हुआ है, तो जैसे ही वो अंदर का एंट्री करेगा तो आप लोगों को उसकी स्मेल आती है, हालांकि आपने डीओ नहीं लगाया हुआ है, लेकिन उसकी उसने जो डीओ पार्टिकल्स लगाए हैं वो आप तक कैसे पहुंच गए, वो ऐसे पहुंचे डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वहाँ पर सेंट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो एयर है उसके सराउंडिंग में वहाँ पर सेंट पार्टिकल की कंसंट्रेशन नहीं है। तो कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस हमेशा अपनी हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की ओर जाती है। तो वो सेंट पार्टिकल उस स्टूडेंट की बॉडी से एयर में जाते हैं और वो एयर सर्कुलेट होकर आप तक आती है। तो डिफ्यूज़न का सीधा सा मतलब है मूविंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मूविंग ऑफ पार्टिकल्स, मूविंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये एक मैंने जनरल डेफिनेशन बताई है डिफ्यूजन की। अब मैं बात करता हूं डिफ्यूजन इन सॉल्यूशन। अब मैं यहां पे लिखा डिफ्यूजन इन सॉल्यूशन। तो देखिए, इसको समझिए, डिफ्यूजन इन सॉल्यूशन को समझिए कि आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 2 मोलर। 2 मोलर का मतलब हो गया कि 2 moles ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। और एक आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन है मान लीजिए 5 molar, दैट मींस 5 mole ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, कि यहाँ पर जो 2 molar सॉल्यूशन है और ये 5 molar सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हैं, कम हैं। शर्त ये है कि इन दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है। तो देखिए, यहाँ पर 2 mole हैं सॉल्यूट के, यहाँ पर 5 mole हैं सॉल्यूट के। तो जब यहाँ पर सॉल्यूट कम है
यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा कम, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा ज़्यादा। सॉल्यूट यहाँ कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा, सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम। हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। हमने मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं मैंने इनको क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो सॉल्यूट के पार्टिकल कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएंगे। कब तक, जब तक कि दोनों जगह या पूरा सॉल्यूशन होमोजीनस नहीं हो जाएगा। तो डिफ्यूज़न इन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स में सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं सॉल्यूशन के टर्म्स में बात करूं तो पार्टिकल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉल्यूट एंड ये सॉल्वेंट। आई थिंक आप लोगों को डिफ्यूज़न की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो डिफ्यूज़न का सीधा सा मतलब पार्टिकल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, और मैंने सॉल्यूशन के टर्म्स में भी इसको समझा दिया है। अब आते हैं हम लोग, एक फिनोमेना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का सीधा सा मतलब है कि हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया लेकिन उसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, आप लोग घर में रसोई में चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद उसको छानते हैं छलनी से, तो छलनी क्या करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देती है और जो सॉलिड है उसको रोक लेती है। तो सेमी परमेबल, परमेबल का मतलब होता है जिसमें से आर पार कोई चीज़ जा सके, सेमी का मतलब है कि कुछ चीज़ जा सके, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो दो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर मिलाए थे, मैंने क्या किया, यहाँ पर तो सिंपल मिला दिए, हम क्या करें कि मैं दो सॉल्यूशन को मिलाऊं लेकिन उनके बीच में क्या रख दूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये जो सॉल्यूशन था ये 2 मोलर वाला था और ये जो सॉल्यूशन था ये 5 मोलर वाला था, सी ठीक है। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें से सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं होंगे, इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देगी। और सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएंगे, जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा। अब एक चीज़ समझिए, सॉल्वेंट, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डाइल्यूट, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, उसको बोलेंगे कंसंट्रेट। तो आप लोग एक चीज़ बताइए, ये वाला सॉल्यूशन कैसा हो गया मेरे लिए, डाइल्यूट, और ये वाला सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे लिए, कंसंट्रेट। तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ पर ज़्यादा हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ कम हैं, यहाँ। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब देखो मैं यहीं पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये मेम्ब्रेन है और सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो जब सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगेगा, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। तो इस प्रेशर की वजह से ये, मान लीजिए मेम्ब्रेन ऐसी थी अब हुई ऐसे, अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे सीधा कर दूं यहाँ अपोजिट साइड में प्रेशर लगा के, तो ये दोबारा से ऐसे सीधी हो जाएगी, तो मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। दोबारा से समझिए, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा से सॉल्वेंट का पार्टिकल फ्लो हो रहा है वेपर प्रेशर कम की ओर। मान लीजिए ये वेपर प्रेशर है 100 और ये वेपर प्रेशर है 80 फॉर एग्जांपल, तो 100 से 80 की ओर वेपर प्रेशर जा रहा है, कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए इनिशियली मैं यहाँ पर इस वाली साइड में 20 प्रेशर और लगा दूँ तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने यहाँ लगाया है उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक
प्रेशर, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखता हूँ। ऑस्मोसिस तो ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, इट इज अ स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन which allows the movement of only solvent particles through semi-permeable membrane या selectively permeable membrane। और इस semi-permeable membrane के example क्या क्या बन जाते हैं, इसके example हैं जैसे cellophane, ठीक है, ये, और ये तो है natural, एक बनती है synthetic SPM, तो ये है polymeric cellulose acetate, पूछ लेना, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। नेचुरल SPM का एग्जाम्पल है सेलोफेन या किसी गोट का ब्लैडर, पिग ब्लैडर, ये सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हमारी स्किन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अब देखिए जो सिंथेटिक SPM है वो है पॉलीमेरिक सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। तो ये था ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया, देखो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर अप्लाइड ऑन SPM टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड ऑन SPM टू प्रिवेंट the flow of solvent molecule, to stop the flow of solvent molecule या to stop the osmosis phenomena, it is defined as the pressure applied on SPM to prevent the flow of solvent molecule, that means the pressure applied on the SPM to stop the osmosis phenomena। तो ये था diffusion, osmosis, osmotic pressure, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस जनरल लाइफ में हमको कहाँ कहाँ मिलता है, जनरली इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो एक चीज़ याद रखना आप, कि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का फ्लो होगा, वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा थ्रू SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है इसकी, देखिए इसकी एप्लीकेशन है कि प्लांट रूट वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, इसकी रूट्स, और यहाँ पानी पड़ा हुआ है, ये पानी है। अब ये रूट की जो सेल है, रूट की जो सेल है उनके अंदर भरा रहता है लिक्विड, एक जिसको बोलते हैं सेल लिक्विड, सेल लिक्विड कंसंट्रेट है, बाहर वाटर जो है वो डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो इस तरह से जो रूट सेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या मिल गई, रूट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन देखें, सेकेंड एप्लीकेशन है कि ये जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, ये वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है ये लीव्स तक पहुंचेगा, ब्रांचेस तक पहुंचेगा, ये भी ऑस्मोसिस फिनोमेना के थ्रू ही पहुंचेगा। जो रूट्स हैं जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ये भी ऑस्मोसिस फिनोमेना के थ्रू ही होगा। तो जनरल एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस की।
और देखिए इसमें एक पॉइंट और आता है कि 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं सेलाइन। ये जो सॉल्यूशन है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारी बॉडी सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अब ऐसे समझिए कि हम लोग रात को चने गला देते हैं, पानी में डाला, चने डाल दिए, सुबह देखते हैं वो चने फूल जाते हैं। क्यों फूल गए? क्योंकि बाहर जो वाटर था उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर जो चने की सेल है उनमें कुछ पहले से मटेरियल था, मतलब चने की सेल ज़्यादा कंसंट्रेटेड है बजाय वाटर के। तो वाटर बाहर से कहाँ आ गया? अंदर आ गया, वो चना फूल गया। ऐसे ही जब हम लोग किशमिश लेते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, तो वो किशमिश फूल जाती है। वो भी ऑस्मोसिस फिनोमेना का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए, जैसे हमारी हमको जब कभी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर हमको ड्रिप लगाते हैं, तो जो डॉक्टर ड्रिप लगाते हैं, जो लिक्विड उस ड्रिप बोतल में है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और हमारी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होता है। वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है हमारी बॉडी के। अगर ये आइसोटोनिक नहीं होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो ये थी ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन। अब मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। देखें, सबसे पहले बात करता हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को अभी सिंपली ये बता रहा हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब आ जाइए कि जो 0.9% सेलाइन सॉल्यूशन वो हमारी ब्लड में जो RBC है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इस 0.9% सेलाइन सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है। दैट मींस ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। RBC का ब्लड और बाहर से जो ड्रिप लगी हुई है हमको वो आइसोटोनिक है। इसका मतलब कि RBC के अंदर ना तो वो लिक्विड जाएगा ना RBC का ब्लड बाहर आएगा। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ये होता है ज़्यादा। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन ए है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी से, तो ये हाइपर है और ये हाइपो है। अब समझिए उस कॉन्सेप्ट को कि RBC को अगर हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा। देखिए, ये है 0.9% NaCl सॉल्यूशन और इसमें हमने रख दी RBC। दूसरा है कि ये जो सेलाइन सॉल्यूशन है ये है मान लीजिए 1% NaCl और इसमें हमने RBC रख दी। और एक तीसरा है, इसमें हमने लिया 0.5% NaCl सॉल्यूशन और इसमें हमने RBC रख दी। और हम लोग ये जानते हैं कि RBC के अंदर जो लिक्विड है वो हमेशा कितना है, 0.9%। ये जो RBC के अंदर ब्लड है वो 0.9% और ये भी 0.9%। अब देखो, इस वाले RBC के अंदर जो लिक्विड है
उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर है। तो ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? आइसोटोनिक। और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें कोई भी सॉल्वेंट का नेट फ्लो नहीं होगा, ना तो आरबीसी के अंदर जाएगा ना आरबीसी के बाहर आएगा। तो यहाँ पे आरबीसी की शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा, आरबीसी नो चेंज। अब देखिए इसमें कि आरबीसी के अंदर तो है 0.9% कंसंट्रेशन वाला लिक्विड और बाहर कितना है 1%, मतलब बाहर जो है वो मोर कंसंट्रेटेड है और अंदर जो है वो लेस कंसंट्रेटेड है। अंदर वाला है डाइल्यूट, बाहर वाला है कॉन्सेंट्रेट। हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस फिनोमेना, क्योंकि आरबीसी की जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन एसपीएम की तरह काम करती है, ठीक। तो सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू कहाँ होगा? मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आरबीसी के अंदर से लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो आरबीसी कैसी हो जाएगी? आरबीसी विल श्रिंक, ठीक। अब यहां देखिए बाहर डाइल्यूट है अंदर कॉन्सेंट्रेट है, तो आरबीसी विल स्वेल, स्वेल्स अप। तो दीज आर दी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर और फिर इसके बाद ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का एक छोटा सा डेरिवेशन है, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं बनता, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, हम लोग डायरेक्ट चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं डेरिवेशन करा दूंगा। तो डेरिवेशन को देखिए, साइंटिस्ट थे वॉन्टॉफ ने ड्राइव किया और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और हम लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सारी की सारी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल गैस से कंपेयर करते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप लोगों ने एक बॉयल लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, अगर आपको याद हो बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ को यूज़ करके वॉन्टॉफ ने, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, बॉयल्स वॉन्टॉफ लॉ, बॉयल्स वॉन्टॉफ लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और वी कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या वी कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक और आप लोगों ने लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, चार्ल्स लॉ का यूज करके वॉन्टॉफ ने क्या बताया कि एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन दिस पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इन दोनों का यूज कंबाइंड फॉर्म निकाल दी हमने, तो हमारे पास आ गया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो मेरे पास आ गया एस, एस को बोलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट, तो एस टी अपॉन वी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई वी इज इक्वल टू एस टी। एस क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट, और सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन को किससे कंपेयर करते हैं? आइडियल गैस से। तो मैं यहाँ एस की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर। तो मुझे मिल गया पाई वी इज इक्वल टू आर इंटू टी, ठीक है। मान लीजिए एन मोल्स है, फॉर एन मोल्स, तो मैं क्या लिखूंगा? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। तो मेरे पास आ गया एन अपॉन वी को क्या लिखेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी को सी से दिखा देते हैं, तो पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या बन सकती है? इसकी यूनिट एटमोसफेयर में आ सकती है, MMHg में आ सकती है, और बार में आ सकती है, जिसमें भी हमको क्वेश्चन मिले। तो ये फॉर्मूला है सीधे सीधे। और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का या तो सीधे सीधे फॉर्मूला आप लोग याद रखें, पाई इज इक्वल टू सी मतलब मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आप लोग एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी साइंटिस्ट ने एक कोई नया सब्सटेंस की खोज की और उसका मॉलिकुलर वेट हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस सॉल्यूट की, उस सब्सटेंस की कुछ क्वांटिटी को वाटर में डाल देंगे, तो डेफिनेटली उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, या उसका कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। इसके फॉर्मूले हमारे पास हैं, फॉर्मूले हमारे पास हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से हम लोग उस सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट पता कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, हम लोग जैसे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया था डब्ल्यू बी ओवर एम बी डब्ल्यू ए इंटू एम ए। अगर आपको ये वैल्यू पता है, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है जो डिस्कवर हुआ है, जिसकी जितनी क्वांटिटी आपने डाली है, आपको एम बी नहीं पता, ये पता है, ये पता है, ये वैल्यू आप लोगों का प्रैक्टिकल फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप लोग यहाँ से मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। सेम जब आप लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम होता है डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए, आपको डब्ल्यू ए पता है, डब्ल्यू के बी डेल्टा टी एफ, तो यहाँ से मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता कर सकते हैं। सेम वे आप लोग डेल्टा टी एफ से पता कर सकते हो, और पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी से पता कर सकते हो कि पाई इज इक्वल टू एन बी ओवर वी इंटू आर टी, एन बी की जगह क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू वी इंटू आर टी, तो यहाँ से एम बी पता कर सकते हो। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। लेकिन इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से जो सबसे सबसे बेस्ट मेथड है मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट पता करने का, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं यहाँ नोट में लिखवाता हूँ, नोट में देखिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में, चलिए नोट लिखते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मींस पाई इज द बेस्ट मेथड, इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट, इंपॉर्टेंट है ये नोट। अब क्यों है बेस्ट मेथड, देखिए अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पता करना चाहते हो तो आपको हीट करना पड़ेगा, अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पता करना चाहते हो तो आपको कूल करना पड़ेगा। मान लीजिए जो सॉल्यूट आपने डाला है वो हीट सेंसिटिव है तो हम लोग ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, मान लीजिए वो कोल्डनेस से सेंसिटिव है तब ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूनिवर्सल टू ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट, हम लोग किसी भी सॉल्यूट को ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से उसका मॉलिकुलर वेट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 300 केल्विन। सुक्रोज क्या है, C12S22O11। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू, हम लोग वो लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, इसका मॉलिकुलर वेट है 342 ग्राम पर मोल, ठीक है, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, टेम्परेचर है 300 केल्विन। हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता करना है, फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी सॉरी सी इंटू आर टी, और कंसंट्रेशन आपको दी गई है, आपको सी कितना दिया गया है 1/10 मोलर, डेसी का मतलब होता है 1/10, तो देखिए 1/10 इंटू आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे 0.0821 लीटर एटमोसफेयर,
0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एटमॉस्फेयर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आर की हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये था न्यूमेरिकल। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो हम लोग समझते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स का मतलब जस्ट उल्टा, ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा। तो देखिए मैं एक बार आपको दोबारा से ऑस्मोसिस फिनोमेना बताता हूँ। ये मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मान लीजिए दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेट, और यहाँ पर ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अगर कब तक होगा, जब तक कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर वेपर प्रेशर है मान लीजिए 100 और यहाँ पर वेपर प्रेशर है 80। जब तक सॉल्वेंट का फ्लो होगा जब तक इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया बाई पंप, तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया बराबर, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सॉल्वेंट का नेट फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 और लगा दिया, इस तरफ 20 और लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया 120, यहाँ कितना हो गया 100। तो अब सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। किस कंडीशन में, जब हमने प्रेशर, जो हमने अप्लाइड प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना इन विच सॉल्वेंट मूव फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको मैं जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में बोलते हैं RO। आप लोगों के घरों में जो RO वाटर प्यूरीफायर लगे हुए हैं वो इसी मैकेनिज्म पर काम करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास RO का एक ये कंटेनर है और RO के कंटेनर में हम लोग यहाँ से देते हैं उसको सॉल्टी वाटर, ये है सॉल्ट वाटर। ठीक, और सॉल्ट वाटर जो है यहाँ मेम्ब्रेन लगी रहती है और यहाँ पर हमको मिलता है फ्रेश वाटर, ये मिलता है फ्रेश वाटर। तो ये जो सॉल्ट वाटर यहाँ आ रहा है ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये वाला जो वाटर है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो होना क्या चाहिए कि फ्रेश वाटर में से किस में जाना चाहिए, सॉल्ट वाटर में। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे लगा दी जाती है एक पंप, आपने देखी होगी अपने RO में, उस RO में जो पंप लगती है वो इस वाली साइड में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है और वो प्रेशर किससे, जो अप्लाइड प्रेशर है जो पी अप्लाइड है वो ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जो सॉल्वेंट का नेट फ्लो है वो सॉल्ट वाटर से कहाँ की ओर हो जाएगा, फ्रेश वाटर की ओर हो जाएगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमेना, दैट इज RO वाटर प्यूरीफायर सिस्टम। आप लोग इस वीडियो को नहीं समझ में आई, जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से ट्रिकी हैं, आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे तभी इस वीडियो का पूरा फायदा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, वीडियो अच्छे लगें देन ओनली यू कैन शेयर और लाइक दी वीडियो। थैंक यू।